क्या नाटक लगा रखा है? निकलो यहाँ से, निकलो। ए, हटाओ इसको। मैंने कहा ना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ए, हटाओ। पद से निकल जा वरना बहुत ठुकाई होगी तेरी। चल, अरे कहाँ रहते हो? छोड़ दे, छोड़ो मेरा हाथ। नहीं जाऊंगी। देखती हूँ कैसे नहीं जाएगी। कैसे नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। कैसे नहीं जाएगी? छोड़ दे। जादो सर। कौन है औरत? सर मर्डर का केस चल रहा है इस पर। इससे बचने के लिए फालतू में ड्रामा कर रही है, जबकि इसने सर जानबूझकर अपनी बेटी को एक्सीडेंट में मारा है। इसे मेरे कैबिन में भेज दो, मुझे बात करनी है। सर सर सब इंस्पेक्टर जाधव ने मुझ पर हत्या का झूठा आरोप लगाया है। सर अब आप ही कुछ कीजिए। शिव सर, यू टेक चार्ज ऑफ दिस केस। मैं जाधव से बोल दूंगा, ही विल गिव यू ऑल द डिटेल्स। यस सर। सर मेरे हस्बैंड की मौत के बाद मैं और मेरी बेटी अकेले रह गए थे। मम्मा पापा कभी नहीं आएंगे ना? पापा नहीं आएंगे तो क्या हुआ? मम्मा है ना, वो तुझे रोज स्कूल लेके जाएगी, घुमाने लेके जाएगी, और फिर जल्दी से ना बड़ी होके बड़ी अफसर बनना। मम्मा को शॉपिंग पे लेके जाएगी ना फिर? उसके बाद मैंने SKN कंपनी ज्वाइन कर ली ताकि खर्चा चलता रहे, और ड्यूटी पे जाते वक्त मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ते हुए जाती थी। सर मंगल नगर में दो ग्रुप में लफड़ा हो गया, एक दो को चाकू भी लगा है। सर प्लीज आप मेरे साथ चलिए, इस औरत की सारी डिटेल राशन देता हूँ आपको। ठीक है। शिंदे जी सर, तुम ही मेरे साथ चलो। ठीक है सर। मैम आप थोड़ी देर यहाँ बैठिए, मैं आकर के आपसे मिलता हूँ। जी। शिंदे माने को बोल दो मैं उनसे चाय कॉफी के लिए पूछे। ठीक है सर। आओ। माने मैडम पूछा, पानी पूछो। देखो मैडम आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ मैं, लेकिन ये सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ का केस बन रहा है, हत्या का नहीं। अभी क्या गड्ढे के खिलाफ FIR लिखूं मैं? लेकिन सर मैंने खुद पता लगाया, सड़क के ठेकेदार का नाम प्रदीप सावंत है और इंजीनियर का नाम राज पाटिल है। सर उन लोगों को इतना तो पता होगा ही ना कि अगर सड़क में कोई खराबी है तो उससे किसी की भी जान जा सकती है। सर उनकी लापरवाही के कारण गड्ढा बना और मेरी बेटी की जान गई। उन लोगों के खिलाफ मर्डर का केस होना ही चाहिए। ठीक है मैं आप लोगों की बात मान लेता हूं, लेकिन अभी मैं सिर्फ कंप्लेंट दर्ज करूंगा, पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही FIR लिखूंगा। बोलिए बोलिए। और उस दिन के बाद इस थाने के मैंने कई चक्कर काटे। हर दूसरे दिन आकर मैं यही पूछती थी कि उस ठेकेदार प्रदीप सावंत और राज पाटिल के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या नहीं, लेकिन हर बार मुझे यही जवाब मिला सर कि जांच चल रही है। और उसके एक महीने बाद वो हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता। ले जा इसको। तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ? क्यों पकड़ के रखा है मुझे? क्या किया मैंने? क्या कुछ हो रहा मेरा कोई बताएगा मुझे? ओ मैडम जासूसी चेक नहीं, तुमने एक्सीडेंट जानबूझकर किया है, इसके लिए लेके जा रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हैं साहब? मैं ऐसा क्यों करूंगी? अपनी बेटी को क्यों मारूंगी मैं? मैडम सड़क का एक तरफ का चौड़ाई 30 फीट है और वो गड्ढा सिर्फ 3 फीट चौड़ा और 2 इंच गहरा है। तेरे को छोटा सा गड्ढा दिखा और बाकी का 27 फीट सड़क नहीं दिखा। तू साइड से जा सकती थी ना, लेकिन तेरे को ऐसा करना ही नहीं था। तूने जानबूझकर अपनी स्कूटी गड्ढे में डाली ताकि तू अपनी सौतेली बेटी से छुटकारा पाकर अपने उस बॉयफ्रेंड ऋषभ के साथ शादी बना सके। चक्कर चल रहा है तेरा? ले जा इसको।
मैडम साहब साहब मेरी बात सुनो साहब, ये सच नहीं है साहब, मुझे छोड़ो साहब साहब। अब मैं केवल इतना कहना चाहूंगी सर कि सड़क के ये गड्ढे रितिका जैसे कई लोगों की मौत का कारण बनते हैं और सड़क बनाने वाले उन ठेकेदारों और इंजीनियर्स को सजा मिलनी ही चाहिए। ठीक है, आप अभी घर जाइए, लेकिन जब तक मेरी जांच पूरी नहीं हो जाती आप यहीं रहिएगा। जी सर। सर मुझे तो अब इन दोनों की बातें सही लग रही हैं। ये तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि कौन झूठ बोल रहा है। देखते हैं। सारी फाइलें ले जाता हूं, इसकी जांच करता हूं, जो जरूरी नहीं होगी उसे वापस कर दूंगा। ठीक है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। इसी में सारे पेपर्स हैं। थैंक यू। थैंक यू। शिंदे। यस सर। अब तुम्हें पता है ना कि हमें आगे क्या करना है? हाँ सर, अब हमें दोनों की फोन कॉल्स और बैंक के खातों की जांच करनी है, पर उसके लिए वी नीड परमिशंस। उसके लिए मैं एसपी सर से बात करता हूँ। ठीक है? ठीक है सर। जय हिंद सर। सर सर, सड़क का जो टुकड़ा हमने सैंपल के लिए लैब भेजा था उसकी रिपोर्ट आ गई है। इसके अनुसार ना तो सही मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है और ना ही सही टेक्निक का। और उनके फोन कॉल्स और बैंक रिपोर्ट? सर उसकी जांच भी मैंने कर ली है। अगर ठेकेदार और इंजीनियर को सजा दिलवाना है तो ये सबूत अभी भी काफी नहीं है, और अगर इन सबूतों को लेकर के हम केस फाइल करते हैं तो उसे साबित करने में बहुत समय लग जाएगा। सर पर सर सर ऐसा कैसे सकता है? सर मैंने पूरी जांच कर ली है, सभी के खिलाफ हमारे पास सारे सबूत हैं। ओके सर, जैसा आप चाहेंगे वैसे ही होगा। ठेकेदार प्रदीप सावंत और इंजीनियर राज पाटिल की सारी फाइलें लेकर के आओ। ओके सर। सर इसमें लैब टेस्ट की रिपोर्ट से लेकर के मटेरियल सप्लायर, आप लोग के बैंक स्टेटमेंट्स, फोन कॉल्स सब रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन सर सर आप लोगों ने ऊपर से कॉल करा करके मेरी सारी मेहनत पर पानी फिरवा दिया। साहिब, आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। मामला रफा दफा होने के बाद कहा तुम लोग, जल्दी करो ना, आओ ना।
एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से सर। इधर एसपी कदम साफ करने से हमने ये सब किया ताकि तुम लोगों को रंगे हाथ पकड़ सके। लेके चलो इन्हें। चलो आ जाओ, आइए इंजीनियर साहब आइए। आप अच्छा नहीं कर रहे हैं आप। लेकिन अच्छा पापा कभी नहीं आएंगे ना? पापा नहीं आएंगे तो क्या हुआ? मम्मा है ना, वो तुझे रोज स्कूल लेके जाएगी, घुमाने लेके जाएगी और फिर जल्दी से ना बड़ी होके बड़ी अफसर बनना। मम्मा को शॉपिंग पे लेके जाएगी ना फिर? बड़ी प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया आज, किसी की नजर ना लगे। अच्छा अब तू जल्दी से तैयार हो जा, पूजा करनी है, पंडित जी आते ही होंगे। मम्मी जी का फोन है। हेलो, गुड मॉर्निंग मम्मी जी। क्या हुआ प्राची? प्राची बोलो कुछ। हेलो शारदा जी, क्या हुआ? सर पूरा कमरा चेक कर लिया लेकिन कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे ये पता चले कि जिसने सुसाइड किया है। ना ही नींद की गोलियां, ना ही जहर के बॉटल्स, जबकि इसके चेहरे का कलर देखकर लगता है कि इसने जहर खाया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। उस कमरे में जितनी भी चीजें, ग्लास बॉटल्स प्लेट्स, सब फॉरेंसिक लैब भेजो। उस कमरे को सील कर दो। ओके सर। पार्टी के बाद आखिर में इस कमरे में कौन आया था? अलका, रात को तू आई थी ना कमरे में? साहब मैं तो सिर्फ पानी देने गई थी, मैंने पानी दिया और वापस अपने कमरे में आकर सो गई। कहाँ की है तू? अम्बाला से हूँ साहब। कितने साल से काम कर रही हैं? 4 साल से हूँ साहब, पूरी ईमानदारी से काम करती हूँ। आप चाहे तो मालकिन से पूछ लीजिए। मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैंने कहा तूने कुछ किया? जब तक तहकीकात चल रही है तू कहीं नहीं जाएगी। सर मैं विकी का मामा समीर अरोड़ा हूँ। जब मुझे मालूम पड़ा कि ये सुसाइड केस है तो मैंने आपको बुला लिया। और हमारे पड़ोस में डॉक्टर गुप्ता रहते हैं, मैंने उनको भी बुला लिया था। अच्छा आप कहाँ रहते हैं? यहीं इसी घर में? जी नहीं, मैं जयपुर रहता हूँ। भांजे की शादी में आया था। जब सुबह सुबह हम शादी की तैयारी कर रहे थे तो अमीशी आई थी। आंटी, आंटी विक्की कहाँ है? वो अपने कमरे में सो रहा है। उसे ने कहा था कि विक्की ने देर रात उसे सुसाइड ईमेल भेजा था। रात के 2:45 बजे मुझे विक्की का मेल आया था। सुबह मैंने देखा, उसमें लिखा था कि विक्की सुसाइड करने वाला है। सर मेरे पास है, आप खुद ही पढ़ लीजिए। आप खुद पढ़िए। जी मैं रमेशी सोचा था तुम्हें भूल जाऊंगा लेकिन भुला नहीं पाया। प्राची से कल मेरी शादी है जो मैं करना नहीं चाहता। प्यार तो उससे करता नहीं और उसे ना भी नहीं कह सकता। बहुत देर हो चुकी है, उसके साथ एक झूठी जिंदगी नहीं जीना चाहता। सच में बहुत देर हो चुकी है, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने तो मेरा हाथ छोड़ दिया उस वक्त जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी।
मैंने सोचा था कि जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगा, लेकिन नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। तुम्हारी जगह किसी और को नहीं दे सकता अमीशी। मैं तुम्हारा था, तुम्हारा हूं और तुम्हारे रहूंगा। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। जिस ग्लास में नौकरानी अलका विकी के लिए पानी लेकर गई थी उसमें और उस कमरे में जितने भी बियर बॉटल्स, ग्लास, प्लेट्स मौजूद थे, किसी में साइनाइड के ट्रेसेस नहीं मिले। ये साइनाइड आया तो आया कैसे? कौन ला सकता है? ऐसे कौन से बिजनेस है जिसमें ये इजीली अवेलेबल है? क्योंकि कुमार, वो शादी का घर था, बहुत सारे लोग थे, क्योंकि ये तो संभव है ही नहीं कि कोई बाहर का आदमी आया होगा और चुपचाप साइनाइड दे के निकल गया होगा। कोई आस पास का ही है जो इन्वॉल्व है। सर, तुमने विकी के कमरे की हर चीज भेजी थी फॉरेंसिक लैब? नहीं सर, सिर्फ खाने पीने की चीजें ही भेजी थी। और कुछ किताबें थी और फाइल्स थी, वो भेजी? नहीं सर। उसके कमरे को रिविजिट करो और छोटी से छोटी चीजें भी फॉरेंसिक लैब भिजवाओ, कहीं ना कहीं पोटेशियम साइनाइड के ट्रेसेस मिलेंगे। ओके सर। और हाँ, विकी को आखिरी बार जिंदा उसकी नौकरानी अलका ने देखा था, और जब हम उससे बातचीत कर रहे थे तो विकी की बुआ के चेहरे पे एक अजीब सा रिएक्शन था। विकी की बुआ से बातचीत करो। ओके सर। उस दिन आप नौकरानी अलका के बारे में कुछ कहना चाहती थी? हाँ, मैंने ही अलका को विकी के रूम में भेजा था। विकी के सारे दोस्त जा चुके थे और भाभी ने कहा कि विकी के कमरे में पानी भिजवा दो। मैंने अलका को भेज दिया। अब पानी देने में तो सिर्फ थोड़ा ही समय लगता है, लेकिन ये कुछ 15-20 मिनट के बाद आई है वहां से। ये बात मैंने भी सोची कि इसने इतनी देर क्यों लगा दी कमरे से आने में। चल अब सच सच बता दे, नहीं तो और पढ़ेंगे। विकी को पानी देने में इतना टाइम क्यों लगा? बोल। सच सच बता दिए कि सामी सच है कि मुझे टाइम लगा था, लेकिन विकी साहब ने मुझे खुद रोका था। साहब, अलका, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। नाराज है हमसे। तेरी नाराजगी सिर्फ इस बात की है ना कि हमने तेरी राजा से शादी तोड़वा दी। तू राजा के बारे में जानती नहीं, वो शादी के नाम पे पता नहीं कितनी लड़कियों को ऐसे घुमाता है। तुझे हम पे भरोसा है। देख, तू बेशक यहाँ काम करती, लेकिन तू हमारे घर के सदस्य की तरह है। हम पे भरोसा कर, हमने तेरी भलाई के लिए जो किया है। मेरा भला सोचते थे तो फिर मैं क्यों मारूंगी उनको? सर, अलका झूठ नहीं बोल रही है। मैंने उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करवा लिया है। और सर, वैसे भी इतनी सोची समझी साजिश को अलका कैसे अंजाम दे सकती है? दे सकती है। हो सकता है किसी ने उसे मोहरा बनाया हो। बड़े बड़े घरों के नौकर ऐसी वारदातों को अंजाम दे देते हैं और जिसके बारे में किसी को भनक भी नहीं होती। जब तक असली मुजरिम पकड़ा नहीं जाता, वो शक के दायरे में है। अमीशी और विकी की प्रेम कहानी इस मर्डर की जड़ है, उसे कुरेदना होगा। ये काम करते, विकी के ऑफिस चलते, लोगों से पूछताछ करते, शायद उनकी प्रेम कहानी का कोई नया अध्याय सामने आ जाए। आओ। ओके सर। आप तो शुरू से इस कंपनी में विकी और अमीशी के साथ थे ना? जी। दोनों को अच्छी तरह से जानते होंगे? जी। विकी और प्राची की शादी होने वाली थी, इस बात का अमीशी पर क्या असर हुआ था? विक्की मेरा दोस्त था, उसके बारे में झूठ तो नहीं बोलूंगा। बड़ा ही दिलफेक बंदा था वो। यंग था, सक्सेसफुल था, पर बड़ी कम उम्र में ही उसने काफी शोहरत भी हासिल कर ली थी। लड़कियों की भी कमी नहीं थी सर उसको। किसी के साथ लॉयल नहीं था, एंड ऑब्वियसली ये बात अमीशी को पसंद नहीं थी। और जब अमीशी साथ नहीं होती थी ना, तो उसके फोन कॉल्स अमीशी अमीशी अमीशी, फ्रस्ट्रेट हो गई थी मैं। अगर अमीशी के साथ में ही रहना था तो मुझसे शादी का कमिटमेंट क्यों? और एक दिन जब मैं सरप्राइज देने विकी के ऑफिस पहुंची, मैंने देखा कि वो अमीशी को गले लगा रहा था।
बस मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर वो दोनों मेरे जज्बात के साथ खेल रहे हैं तो मैं उनकी जिंदगी के साथ खेलूंगी। विक्की जैसे लड़के के साथ मैं शादी तो नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे इतनी आसानी से भी नहीं जाने दे सकती। मैंने डिसाइड किया कि मैं बदला लूंगी, और एक दिन जब गेट टुगेदर पार्टी में मैंने राजीव को नशे की हालत में विक्की के लिए ये सब कहते हुए सुना, तुम दोनों का मेरी शादी से पहले तकड़ा अफेयर था। नफरत करता था मैं विक्की से, नफरत। और जब प्राची ने मेरे सामने ये डील रखी तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया। मैंने सोचा कि अगर विक्की और अमीशी दोनों को रास्ते से हटा दिया जाए तो पूरा का पूरा बिजनेस मेरा होगा। टारगेट एक था, लेकिन बेनिफिट हम दोनों को था। मैं जानती थी कि विक्की फाइल के पन्ने कैसे पलटता है। मैंने राजीव के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, और वो प्लान क्या था मैं आप लोगों को बताता हूं। राजीव, तुमने अमीशी को फंसाने के लिए उसका ईमेल और पासवर्ड नोट किया। हाँ, मैंने ही उसकी ईमेल आईडी यूज की और फिर मौके का फायदा उठाकर उसी के लैपटॉप से एक फेक डायमंड कंपनी की वेबसाइट बनाई, और उस बेवकूफ लड़की को तो पता भी नहीं चला। सारे मेल्स और नोटिफिकेशन मैं उसके पढ़ने से पहले ही डिलीट कर देता था। पोटेशियम साइनाइड भी मैंने ही ऑर्डर किया था, उसकी डिलीवरी भी मैंने ही ली। उस दिन अमीशी ने मुझे एक फाइल दी जिसपे विक्की के सिग्नेचर्स चाहिए थे। मैंने उस पे साइनाइड लगाया और विक्की ये फाइल अमीशी ने भेजी है, इसे आज रात पढ़ के ही साइन कर देना। हाँ, तो इसकी चिंता मत कर। और फिर पार्टी के बाद राजीव ने तुम्हें एक मैसेज भेजा, गुड नाइट, जिसका मतलब था काम हो गया। और यही तुम लोग की सबसे बड़ी गलती थी। फिर तुमने विक्की को फोन करके बोला उससे लैपटॉप ऑन करने के लिए। प्लीज अपना लैपटॉप ऑन करो ना, मुझे ना तुम्हें दो नई ड्रेसेस दिखानी है और मेरे हाथों पे लगी हुई मेहंदी दिखानी है। ऑन कर दिया है। ये देखो, बताओ कैसी लग रही है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और नई साड़ी भी है, ये देखो, बहुत अच्छी। अच्छा सुनो ना, ऑफिस में काम बहुत ज्यादा था क्या? थैंक्स यार, तुमने याद दिला दिया। अमीशी ने कुछ फाइल भेजी थी राजीव के हाथ, बस वो थोड़ा देख लेता हूँ फिर सो जाऊंगा। चलो अब काम खत्म करके जल्दी से सो जाओ। Love you. Love you too. और चूंकि विक्की का लैपटॉप ऑन था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कम हैकर मिस प्राची शर्मा, तुमने विक्की के ईमेल से अमीशी को एक सुसाइड मेल भेजा। लेके जाओ इसको। चल। ₹15,000 मांगता है, बाप डांट देता है, उसके बाद उसकी अपने बेटे से बात भी होती है। बेटा कहता है कि वो घर आ रहा है, लेकिन फिर ना बेटा घर आता है और ना कोई फिरौती का कॉल। सर, ₹15,000 के लिए बहुत मामूली रकम है, वो भी एक टेलर से। फिरौती का फोन जिस नंबर से आया था उस नंबर को ट्रेस करो और उसकी लोकेशन का पता करो। सर, विनोद के फोन पर लगातार फोन करते रहो और उसकी लास्ट लोकेशन पता करो। कल सुबह स्कूल जाकर उसके दोस्तों से मिलना पड़ेगा। खुद भाग गया होगा विनोद और अपने बाप को परेशान कर रहा होगा। अरे, एक नंबर का शैतान लड़का है वो, पहली कक्षा से जानते हैं हम उसको, पढ़ाई लिखाई में जरा भी ध्यान नहीं, धक्के मार मार के इन लोगों को पास करना पड़ता है। उसके तो दोस्त हैं मयूर और दीपक, उनके बारे में क्या बता सकते हैं आप हमें? चोर चोर मौसेरे भाई, इन तीनों ने स्कूल की नाक में दम कर रखा है। वो अपने मास्टर हैं दुबे जी, उन्होंने हमसे शिकायत की तो इन लोगों ने मिलकर मोटरसाइकिल पंचर कर दिया। मानते हैं कि 15-16 साल की उम्र में लड़के शरारती होते हैं, लेकिन इनकी शरारतों का तो कोई अंत ही नहीं है। Ha ha ha!
भाई यही से पढ़ाई हो रही। चलो अब तो हेड मास्टर साहब के हाथ के डंडे पड़ेंगे। चलो चलो सॉरी ना सर, माफी माफी सर, सर हम अंदर आ सकते हैं? लो आगे दीपक और इनके पिताजी को भी हमने बुलाया है। नमस्ते सर। अब ये बताओ कि तुम्हारे दोस्त मयूर गुप्ता और विनोद सोलंकी कहाँ पर हैं? सर वो तो आज नहीं आए। विनोद सोलंकी का अपहरण हो गया है। अपहरण? पर सर कल तो वो मेरे साथ ही था सर। ठीक ठीक बताओ नहीं तो हमारे डंडे तो खा चुके हो, अब पुलिस की मार खाओगे तो नानी याद आ जाएगी। सर मैं सच बता रहा हूँ सर। प्रिंसिपल साहब फिर क्या किया इसने है? फिर कोई शैतानी किया क्या? नहीं। अरे तुम पढ़ने आता है? नहीं नहीं तुम जीने देगा कि नहीं जीने देगा हमको? अरे एक मिनट शांत हो जाइए आप। इसका दोस्त है विनोद सोलंकी, कल से गायब है। उसके घर पे फिरौती के लिए फोन भी आया था शाम को। एक मिनट साहब, फोन तो हमको भी आया था। तुम्हारा बेटा दीपक हमारे कब्जे में है और अगर उसको तुम जिंदा देखना चाहते हो तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। अरे जानते भी हो कि हम करते का है? अरे हमारे बेटे को ले जाके कौन सा खजाना मिल जाएगा? ना करे कहा भाई पुलिस को फोन? हाँ नंबर देख रहे हैं तुम्हारा मोबाइल में हम। हमको लगा कि कोई लौंडा मजाक कर रहा है, हमने दम देके हड़का दिया, झट से फोन रख दिया। दीपक भी चले आया शाम को तो हमने भी ध्यान नहीं दिया। कितने बजे आया था फोन? वही कुछ 5:45 हो रहा होगा। जिस नंबर से इन्हें फोन आया था वो नंबर नोट करो। सर आप हमें मयूर गुप्ता का एड्रेस दे दीजिए और दीपक को हम अपने साथ ले जा रहे हैं पूछताछ करने के लिए। आपको भी हमारे साथ चलना होगा। शाम के करीब 5 बजे होंगे जब फिरौती के लिए फोन आया था। हेलो गुप्ता जी बोल रहे हैं। तुम्हारे बेटे को हमने अगवा कर लिया है। कौन बोल रहे हो तुम? अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो ना तो जैसा कह रहे हैं वैसा करो। आधे घंटे में 50,000 लेके पहुंच जाओ। क्यों भाई लोग चला नहीं है? भैया हमारे पास तो लाइसेंस नहीं है, हम कैसे चला सकते हैं? अरे जब तक लाइसेंस का इंतजार करेंगे तब तक मोटरसाइकिल थोड़ी रहेगी हमारे पास। और वैसे भी संजीव भैया सर्विसिंग के बाद गाड़ी निकाले, एक राउंड ले लो। नहीं हम नहीं चलाएंगे। रहने दो तुम, चलो संजीव भैया हम चलाते हैं गाड़ी। बाय दोस्तों, चलो। फिर क्या सर? भैया लेगा विनोद को अपने साथ। और तभी एकदम अचानक से हमारे पापा का फोन आया। तो कभी हमें फोन करते ही नहीं थे, उन्होंने डांटा तो हम अपने घर चले गए। और हमारी भी बैटरी जा चुकी थी सर फोन की, तो हम भी वहाँ नहीं रुके और घर हो लिए। संजू का कोई फोटो है तुम्हारे पास? हाँ सर मोबाइल में। सर इस संजू का एड्रेस और फोन नंबर इन लोगों से ले लो और इसके फोन को सर्वेलेंस में लगाओ। ओके सर। तुम लोग जा सकते हो। हाँ यादव बोलो। सर उस बाइक का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। सर ठीक से तो 0 और 4 ही नजर आ रहा है। आरटीओ से इस कलर के सारे मोटरसाइकिल्स के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स निकलवाओ जिनका नंबर 04 में एंड होता है और इस संजू के बारे में सब कुछ पता लगाओ। कहाँ रहता है, किस गैरेज में काम करता है, इस विनोद का भी अभी तक कुछ पता नहीं चला और ये विनोद आखिरी बार संजू के साथ दिखाई दिया था। सर हो सकता है कि विनोद को संजू ने कहीं छुपा रखा हो। ये भी तो हो सकता है कि विनोद संजू के साथ उसके प्लान में शामिल हो और फरार हो गया। लेकिन सर विनोद की जान को खतरा भी हो सकता है, दोनों के फोन अब भी स्विच ऑफ आ रहे हैं। और सर ये मयूर और दीपक का क्या करना है? वो दोनों भी शक के दायरे में हैं। नजर रखो दोनों पर। सर संजू यह काम करता है? संजू? हाँ सर। कहाँ बात है साहब? कहाँ है वो?
वो आगरा गया किसी को छोड़ने के लिए। आगरा गया किसी को छोड़ने? हाँ, वो ड्राइवर ही करता है ना साहब। किसके साथ गया? ये तो नहीं मालूम है साहब, वो तो यहाँ पे दिहाड़ी पे काम करता है ना साहब, बोल के चला जाता है। अब हम नहीं पूछते है ना कि किसके साथ जाता है वो जैसे आता है हमें तुरंत इन्फॉर्म करो। हाँ साहब। सर, संजू का फोन स्विच ऑफ है, अड़ोस पड़ोस से पता चला कि उसका कोई भी नहीं है, माँ बाप का भी कुछ पता नहीं है सर, आगरा गया किसी फैमिली के साथ। दीपक और मयूर के आखिरी कॉल लोकेशन के बारे में कुछ पता चला? सर, दोनों उस वक्त तालाब पे ही थे। विनोद के पिताजी को फिरौती के लिए जो कॉल्स गई हैं वो नंबर पीसीओ का है, जो उसी गैरेज के पास है जिसमें संजू काम करता है सर। सर, सारे सबूत संजू को शक के घेरे में लाते हैं और सर वो गायब है और उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। मेरा अनुमान है कि ये काम किसी नौसिखिए का हो सकता है सर। सर, संजू की इन तीनों से दोस्ती थी, जाहिर सी बात है कि उसके पास इन फैमिली वाले के नंबर तो होंगे ही। हो सकता है कि दोनों साथ में हो और मजे कर रहे हो। मयूर के बाप से पैसा तो इन दोनों को मिल ही गया था। एक काम करो, आगरा पुलिस को कांटेक्ट करो और विनोद और संजू के डिटेल्स इन्हें भेजो, हमें इन दोनों के बारे में जल्द से जल्द जानकारी चाहिए। सर, हमको फोन लगाने का। मेरी बात यकीन करो विनोद, हम फोन कर देंगे। नहीं, हम फोन कर रहे हैं तुझे। हेलो, 50,000 रुपए लपेट कर पुराने जूते फैक्ट्री के पीछे एक दीवार है, वहां रख देना। पैसे मिलते ही तुम्हारा बेटा सही सलामत घर पहुंच जाएगा। अरे सुनो, पैसे लेने कौन जाएगा भाई? अबे चिल्लाओ मत, अंधेरे बोलो। पैसे लेने कौन जाएगा? तुम और कौन? हम जाएंगे तो हमारे बाप हमें पहचान जाएंगे, पर तुम जाओगे कैसे? संजू भैया उनकी मोटरसाइकिल ले जाए। संजू भैया कस्टमर की गाड़ी कभी नहीं देते। हमारे सामने वाले घर पे ना एक मोटरसाइकिल खड़ी रहती है, वो कभी चालू भी नहीं करते, हमने किए एक दो बार चालू, वही ले जाए। अबे तू वही लेके चले जाओ ना, और सुनो हेलमेट पहन लेना और इसके ऊपर कुछ डाल लेना, नहीं तो हमारे बाप तुम्हें पहचान जाएंगे। ठीक है, निकलो। अरे जिंदगी बर्बाद कर ली अपनी। अरे नालायक, हम तुझे प्यार नहीं करते, ऐसा सोच भी कैसे लिया तूने? अरे पैसा नहीं देते थे क्योंकि तेरी फिकर थी हमें, तू हाथों से निकला जा रहा था। क्या कर दिया तूने? हाँ, क्या कर दिया, अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। सिर्फ अबले अपना बच्चा नहीं खोए, आज इन सब ने अपना बच्चा खो दिया। मजाक मस्ती शरारत इन सब की एक हद होती है, तुम दोनों ने वो हद पार कर दी। तुमने सिर्फ अपने दोस्त का खून नहीं किया बल्कि दोस्ती का भी गला घोंट दिया। ले जाओ इनको। बाबा,
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.